वो हवा में 7-8 राउंड फायर कर रहा है एक शादी के फंक्शन में। तो जैसे ही हमारे बेट कांस्टेबल को उस फायरिंग सोशल मीडिया पे परसों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, और जिस वीडियो में ये मेंशन था कि एक आदमी है जो हवा में 7-8 राउंड फायर कर रहा है एक शादी के फंक्शन में। तो जैसे ही हमारे बेट कांस्टेबल को उस फायरिंग सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे फायरिंग वाले वीडियो की जानकारी मिली, उसी टाइम उसने हमें इत्तला कर दिया। और उसके बाद ये पता चला कि जो जॉलीवुड रिसोर्ट है वहाँ 7 मार्च को इवनिंग में एक शादी का फंक्शन था, और उसमें ये जो शख्स था वो हवा में सेलिब्रिटी फायर कर रहा था। तो उसके बाद पता चलने के बाद ये जो व्यक्ति है वो नबीन करके हमें अभी तक प्रारंभिक जांच में पता चला है, और उसी डिरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। किसकी शादी थी सर? ये अभी तो जिस वीडियो हमने जिसका वीडियो मिला है हमें ट्विटर पे, उस वीडियो में वीडियो का जो टाइटल था उसमें यही मेंशन था कि जो निर्मल चौधरी है इनके बहन की शादी थी और उसमें वो शख्स फायर कर रहा था, ऐसे वो ट्विटर वाले वीडियो का टाइटल था। क्या कार्रवाई की सर यहाँ पे? उस वीडियो को देखने के बाद ये पता चला कि वो सेलिब्रेटरी फायरिंग थी, और वो एज पर आर्म्स एक्ट सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 और IPC 336 के अनुसार वो एक ऑफेंस है, और उसके अंदर हमने अभी FIR रजिस्टर किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर मौका मुआयना हो गया इसमें? उसमें आगे वाली जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, उसके बेसिस पे हम अपनी कदम उठा रहे हैं। उसमें फिर मौके को विजिट करना हो या DVR हो, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं।